नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनिया और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे सभी हमारे जॉइंट मूवमेंट्स की एक्सरसाइज का, जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस और योगा पोजेस। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्यूटोरियल्स लाने वाली हूँ, सभी के लिए, एडल्ट, किड्स एंड सीनियर सिटीजन्स, फॉर एवरीवन। सो थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में अपने हाथों को खोलकर ऐसे, या फिर आप चिन्ह मुद्रा भी बना सकते हैं, ऐसे अपने घुटनों पर रख लीजिए और 2 मिनट के लिए हमें अपने सांसों पर ध्यान बनाना है। क्लोज योर आईज, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, एकदम सीधा बैठ जाइए। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, लंबी सांस से भरिए और लंबी सांस से छोड़िए। रिलैक्स योरसेल्फ। और अपना ध्यान हमें धीरे धीरे अपनी सांसों पर रखना है। फोकस फोकस ऑन योर ब्रीथ। Deep inhale, deep exhale. Relax yourself. और अब स्टार्ट करते हैं जॉइंट मूवमेंट्स। सो जॉइंट मूवमेंट्स आई विल टेल यू फ्रॉम टॉप, बॉटम टू टॉप। तो उसके लिए आप पहले दंडासना में बैठ जाइए। दंडासना मतलब अपने, आपके पैर और आपकी रीढ़ की हड्डी दोनों राइट एंगल में होनी चाहिए। फर्स्ट जॉइंट मूवमेंट फ्रॉम बॉटम इज टोज। सो टोज को आपको रिलैक्स करना है। सीधे दंडासना में बैठने के बाद अपने टोज को, पूरे फिंगर्स को, जो आपके बिग टो एंड ऑल द फिंगर्स ऑफ योर फुट, इनको ऐसे स्ट्रेच करना है आउटवर्ड। ऐसे स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी देर रखिए, स्ट्रेच कीजिए और रिलीज कर दीजिए। फिर से स्ट्रेच कीजिए, सब फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, बाहर की तरफ खींचिए और फिर रिलीज कर दीजिए ऐसे। सो रिलीज करते हुए आपके ऑल द फिंगर्स शुड बी सेपरेटेड, सबको, सब में स्पेस होना चाहिए, लाइक दिस। एंड अगेन रिलीज, फिर से स्ट्रेच कीजिए एंड रिलीज। ऐसा हम 10 times और मिनिमम 5 times आपको करना है। नेक्स्ट जॉइंट इज एंकल जॉइंट। फॉर एंकल जॉइंट वी हैव टू मूव आवर एंकल्स, रोटेट योर बोथ द फीट, योर एंकल्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इन बोथ डायरेक्शंस वी हैव टू मूव एटलीस्ट 10 times क्लॉकवाइज एंड 10 times एंटी क्लॉकवाइज। फुल रोटेशन या लाइक दिस। एंड अभी वी हैव टू स्ट्रेच इट अप एंड डाउन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो जैसे हमने अपने टोज को स्ट्रेच किया था, वैसे ही एंकल को स्ट्रेच करना है। तो इसके लिए अपने पूरे पैर को ऐसे विद एंकल, फुल फीट शुड बी लाइक दिस, स्टे देयर एंड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज लाइक दिस। यू विल सी द मूवमेंट हियर। और आपके पूरे लेग्स में जब आप ऐसे करते हो तो स्ट्रेच आता है, आप स्ट्रेच फील करोगे अपने फुल लेग्स में, इन दिस मूवमेंट ऑल्सो एंड व्हेन यू डू इट लाइक दिस, दोनों बार। ऐसे भी आपको 10 बार करना है, एटलीस्ट 10 times। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट इज नीज। सो नीज के लिए हम क्या करेंगे, अपने पैर को यहां से, इंटरलेसिंग फिंगर्स अपने पैर को यहां से पकड़ लेंगे नीचे से और इसको चेस्ट तक ऐसे लेके आएंगे। सीधा बैठना है और इसको हमें इनहेल के साथ ऊपर ले जाना है। सांसों को भरिए और इसको ऊपर ले जाइए और पूरा लेग एंड स्ट्रेच इट लाइक दिस, ऐसे आपको रखना है आगे की तरफ ऐसे। इनहेल
एंड एक्सेल। तो एक्सेल के टाइम आपको पैर नीचे लाना है और टो शुड बी और फीट शुड बी लाइक दिस स्ट्रेट हियर। तो फिर से देखेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ऐसे आपको पैर का मूवमेंट देना है, ठीक है। सेम विद दिस लेग, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मैं 10 टाइम्स इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो इसके इसके बाद हमें करना है सेम, होल्ड इट सेम वे एंड वी हैव टू रोटेट इट अवर जॉइंट, जिस रोटेशन फॉर अवर नी, ऐसे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसको अच्छे से होल्ड करके रखिए एंड रोटेट इट ऐसे। सो बोथ साइड वी हैव टू डू इट 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट इज हिप जॉइंट। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, आपके लेग्स को इधर थाइस पे रख लेना है ऐसे, ओके, अपने फीट को, एंड यू हैव टू प्रेस इट डाउन एंड थोड़ा आगे जाइए, आगे मुड़िए, प्रेस इट एंड देन होल्ड इट लाइक दिस ऊपर तक, जितना भी आप ऊपर तक अपने चेस्ट तक पकड़ सकते हैं पकड़िए। सेकेंड मूवमेंट ऑफ दिस इज आपके पैर को यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए और इसको ऐसे, या ऐसे भी पकड़ सकते हैं लाइक ए बेबी। यू हैव टू क्रेडल योर फीट, योर लेग लाइक अ बेबी, लेफ्ट एंड राइट। सो लेफ्ट मूवमेंट यू विल फील द स्ट्रेच हियर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, लाइक दिस आपको, दिस इज अ, जैसे हम बेबी को झूला झुलाते हैं सेम वे अपने पैर को, सेम वे दूसरे पैर को भी आप पहले यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ से हमको स्ट्रेच करना है, नीचे प्रेस करना है, डाउन डाउन अप, इसको ऐसे यहाँ तक लेके आना है, ओके, डाउन अप, डाउन, प्रेस इट डाउन फुली और ऊपर ऐसे लेके आना है। फिर सेकेंड मूवमेंट इज आपको ये ऐसे पकड़ना है अपने पैर को और इसको यहाँ से दोनों को इंटरलेस कर लीजिए, दोनों फिंगर्स को ज्वाइन कर लीजिए और इसको आपको लेफ्ट एंड राइट मूव करना है, कराना है हमें, जितना ऊपर लेके आ सकते हैं उतना, जितना आप ऊपर पकड़ सकते हैं, इनहेल एक्सेल इनहेल, ऐसे आपको मूव कराना है इसको। सो आप फील करेंगे स्ट्रेच इन योर हिप जॉइंट ऐसे, ये भी आपको मिनिमम 10 टाइम्स करना है। इसके बाद हम आते हैं स्पाइनल, उसके लिए हम इस तरह बैठेंगे, हमें ट्विस्ट रोटेशन भी देना है और अप एंड डाउन मूवमेंट भी देना है, फ्लेक्शन है रोटेशन। सो एक पैर ऐसे किया, अनदर लेग कीप इट लाइक दिस, ओके। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सीधे रीढ़ की, रोल योर शोल्डर बैक, स्पाइन को अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और पीछे ट्विस्ट करना है इस साइड, योर राइट साइड, जो पैर ऐसे रखा है, ओके। सो यू हैव टू टर्न लाइक दिस एंड ट्विस्ट योर स्पाइन एंड लुक बैक, स्टे देयर, कीप ब्रीदिंग, स्टे देयर फॉर 5 ब्रीथ्स। Now exhale, move front. Another side, twist. So, humko this side we have to twist. Inhale, roll your shoulder back and keep your with the help of your hands. Look back. Rotate your spine and look back. Your shoulder should be in one line like this. Should be in this direction. Stay there for 5 breaths.
Now, slowly with exhale, come front. Now, take your hands up, inhale. Now, with exhale, we have to move this side. So, जितना भी आप नीचे bend कर सकते हो, bend कीजिए and feel the stretch here in your torso region. Stay there. So, five breaths and inhale, come in between. Okay, now, इसके बाद one more movement, up and down movement we will give to our spine. जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी young है, आप young है. So, come into this pose. This is called the tabletop position. इसमें आपको क्या करना है? आपके hands को under your shoulder रखना है, सीधे in one line. And आपके knees को under your hip joints. ऐसे रखना है, it should be straight. और अपने हाथों को ऐसे रखना है. And toes को flat रखना है like this. अब यहाँ से हम cat and cow pose करेंगे. Inhale, हम अपने spine को ऊपर move करेंगे ऐसे. हिप्स को बैक मूव करेंगे और अपने शोल्डर्स को फेस को ऊपर ले जाएंगे लाइक दिस. एक्सेल डाउन. इसे आपके पूरी अपनी स्पाइन को ऊपर लेके जाएंगे, अपनी कमर को और अपने शोल्डर्स को आगे आ जाएंगे ऐसे. इट्स कॉल्ड द कैट पोज. इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down. ये आपके कमर दर्द के लिए भी बहुत beneficial है. This is one of the best exercise for your spine. So इसको हम with variations के साथ भी कर सकते हैं. You can use your one leg, take your one leg parallel to the ground, सीधा रखिए अपना एक पैर और उसके साथ हमें मूवमेंट करना है. इनहेल एक्सहेल डाउन, टच योर फोरहेड टू योर नीज, ट्राई टू टच. नाउ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. सेम वे टू अदर साइड. टेक योर लेफ्ट लेग पैरेलल टू द ग्राउंड. Exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. ये पैर को सीधा टेबल टू पोजिशन में आ जाइए. Now, next is sit in Sukhasana, in particular in comfortable position. Keep your hands in front, your hand अपने हाथ ऐसे आगे लाइए, अपने fingers को ऐसे full outside stretch करना है and then stretch it like this. It make a fist tightly, you have to feel it. Inhale, ऐसे अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखिए, अपनी सांसों के साथ inhale exhale के साथ आपको this movement you have to do and आपको feel करना है. All fingers joints. Do it at least 5 or 10 times. Next movement is our wrist movement. So wrist movement के लिए आपको क्या करना है? One is rotation. Only wrist को move करना है. So ऐसे 10 times anti-clockwise, 10 times clockwise. ऐसे उसके बाद वन मोर मोमेंट वी हैव फॉर द रिस्ट अप एंड डाउन. सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, अप इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन लाइक दिस. वी हैव टू डू एट लीस्ट 10 मोमेंट्स लाइक दिस. ओके, सो दिस रिस्ट मोमेंट्स आर डन. नाउ नेक्स्ट इज एल्बो. फॉर एल्बो मोमेंट्स व्हाट वी हैव टू डू, ऐसे अपने हाथों को दोनों को आगे लाइए एंड आपको हाथों को ऐसे कप शेप बनाते हुए अपने हैंड्स को यू हैव टू कीप ऑन योर शोल्डर ऐसे. इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल,
इनहेल एक्सहेल। तो ऐसे आपको मिनिमम 10 टाइम्स करना है। फॉर वेरी गुड फॉर एल्बो जॉइंट। नाउ शोल्डर जॉइंट। फॉर शोल्डर जॉइंट अपने हाथों को ऐसे और इसको आपको दोनों को एक साथ ऐसे शोल्डर को मूव कराना है आगे की साइड। इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे। इनहेल ऐसे, फिर दूसरी साइड मूव कराना है। मूवमेंट वी हैव फॉर दिस शोल्डर मूवमेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना है, कीप योर शोल्डर, कीप योर हैंड्स ऑन योर शोल्डर, ऐसे कप शेप बना के और आपको रोटेशन कराना है ऐसे फुल ऊपर से नीचे लाते हुए फुल। इनहेल आगे आइए, टेल डाउन, अपने सांसों पर धीरे धीरे फुल मूवमेंट रोटेशन को आपको फील करना है। Try to join your hands in the front, ऐसे पूरा ऊपर लेके जाइए और फिर पूरा नीचे, ऐसे ही दूसरे साइड भी करना है, पूरा ऊपर लेके जाइए then आगे ये भी आपको कम से कम 10 बार करना है। Next is snap movements. So first we will do the rotation. For rotation slowly take your neck back, exhale front, when you go back, जब आप पीछे जाते हैं तो inhale कीजिए, exhale front, inhale back, exhale front, feel the rotation, now 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise, other side, inhale back, exhale front, inhale back, like this 10 times each side we have to rotate our neck. Iske baad take your right hand, keep on your ears, yahan pe rakh lijiye apne haath ko aise and jitna bhi ho sakta hai stretch kijiye apni neck ko and feel the stretch here in this. Stay there. Now release it after 5 counts. Then take your left hand, keep on your right ears, this side, and apne pure neck ko idhar press kijiye apne haath se, and you will feel the stretch towards right. Release. Now make interlace your finger like this and keep it here under your chin and जितना भी आपको press हो सकता है ऊपर की तरफ हम press करेंगे धीरे धीरे अपने neck को। And release. अब अपने हाथों को interlace करके पीछे की तरफ यहाँ पे रख लीजिए सर पे और नीचे की तरफ we will press it down. Feel the stretch in your back neck. Now release. So bottom to top we have covered all our joints. So joints should be very healthy and movable because it will prevent you from the any injury. अगर आप गिर भी जाएंगे तो आपको उतनी चोट नहीं आएगी अगर आप जॉइंट्स आपके हेल्दी हैं और मूवेबल हैं। इट विल एनहांस योर मूड आल्सो, आपका मूड अच्छा करता है, आपको हेल्दी रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और आपको फ्यूचर में लाइक अर्थराइटिस काइंड ऑफ बीमारी नहीं होगी इफ़ यू कीप डूइंग दिस एवरी डे एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ वीक। सो ऑल जॉइंट मूवमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, सो प्लीज कीप डूइंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।